हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स परीक्षाओं की प्रिपरेशन तैयारी कैसे की जाए इसके ऊपर एक अध्यापक और एक विद्यार्थी का संवाद है आई थिंक आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आएगा अगर कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्वर्सेशन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों सो सो नाउ, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम्स? अंतिम परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सौरभ मैडम आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। मैडम मैं तो पूरी तरीके से कन्फ्यूज हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आई डोंट नो वॉट टू लर्न एंड वट इज नॉट टू बी लर्न मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे याद नहीं करना है आई एम टू मच worried. मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ वरीड worried मतलब चिंतित वट डू यू मीन by नॉट टू बी लर्न ना पढ़ने से या ना याद करने से तुम्हारा क्या मतलब है आई हैव कम्प्लीटेड द होल सिलेबस मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है पूरा कर दिया है यू मस्ट लर्न एवरीथिंग तुम्हें सब कुछ पढ़ना चाहिए एक बार रीड कर लेते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम्स मैडम आई एम टोटली कंफ्यूज आई डोंट नो वॉट टू लर्न एंड वट इज नॉट टू बी लर्न आई एम टू मच वीड वट डू यू मीन बाय नॉट टू बी लर्न आई एम

अगर तुम आखिरी मिनटों में या आखिरी क्षणों में तैयारी करना शुरू करोगे तो अच्छे मार्क्स लाना हमेशा ही मुश्किल होगा इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन द लास्ट मिनट देन इट विल बी वेरी हार्ड टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स और टू स्कोर गुड मार्क्स एक बार रीड कर लेते हैं मैडम आई रिक्वेस्ट यू टू टेल अस द इम्पॉर्टेंट लेसन इट लर्निंग यहाँ पर लेसन को हमने दो तरीके से यूज़ किया है वन इज़ एल ई डबल एस ओ एन दैट इज़ पार्ट एंड अनदर वन इज़ एल ई डबल एस ई एम उसका मतलब होता है कम करना लर्निंग इज नेवर अ बर्डन इफ यू टेक इट एज अ बर्डन यू वुड नेवर बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स देन व्हाट शेल वी डू टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन द लास्ट मिनट देन

मैडम यू आर राइट मैडम आप बिल्कुल सही हैं। इट इज माई फॉल्ट यह मेरी गलती है बट बिलीव मी पर मेरा विश्वास करो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन मैं इसको फिर से नहीं दोहराऊंगा। दिस टाइम हेल्प मी इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इस समय अच्छे मार्क्स लाने में मेरी मदद कर दीजिए सी आई विल नॉट टेल यू द इमोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो नहीं बताऊंगी सी आई विल नॉट टेल यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बट यस आई कैन टेल यू द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर हाँ मैं तुम्हें महत्वपूर्ण पार्ट या जो चैप्टर्स हैं वो बता सकती हूँ यू शेल वर्क हार्ड तुम्हें मेहनत करनी चाहिए एक बार रीड कर लेते हैं यू शेल गिव समाइम टू योर स्टडीज फ्रॉम डे वन Of the session, then you will not have to face such kind of tensions. Madam, you are right. It is my fault. But believe me, I will not repeat it again. This time, help me in scoring good marks. See, I will not tell you the important questions. But yes, I can tell you. The important chapters, you shall work hard. तो यू शैल हमारा छोटा सा conversation था I hope आपको पसंद आया होगा अगर conversation पसंद आया हो तो channel को subscribe जरूर कीजिए video को like जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए इसी तरह की और वीडियोज पाने के लिए आप हमारी प्ले में जरूर जाइए प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे कॉन्वर्सेशन भी मिलेंगे और साथ ही साथ ग्रामर और वो कैप की भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग